आज भारतवर्ष अपनी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। इसके लिए ये अनिवार्य है कि समाज के हर तबके को समानता के साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, ताकि हर एक नागरिक इस लक्ष्य का एक हिस्सा बन सके। हमारी 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में 2.25 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनको सरकार ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और अपनी आशाओं को एक रूप देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स देने की मुहिम छेड़ी है। ये स्कॉलरशिप्स पढ़ाई के अनेक स्तर, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टरेट्स में पढ़ने वाले दिव्यांगजन छात्रों को दी जाती है। ये कहानियां ऐसे ही कुछ छात्र छात्राओं की हैं जिनको आशा की एक नई किरण दिखाई गई है। हजारीबाग से आई नोभा कुमारी पॉली आर्थराइटिस से प्रभावित हैं, जिनकी वजह से वो अपनी गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिला सकती हैं। आज सरकार के द्वारा दी गई टॉप क्लास एजुकेशन की स्कॉलरशिप के बल पर नोभा अपनी आईआईटी की पढ़ाई के सपने को पूरा कर रही हैं। बचपन से आईआईटी का सपना देखने वाली नोभा का एडमिशन जमशेदपुर के एनआईटी में हुआ था। अपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के साथ उन्होंने अपनी कोचिंग पे भी ध्यान दिया और आज आईआईटी रुड़की में अपनी सीट हासिल करी। आज इस संस्थान में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। शांत स्वभाव की नोभा का पालन पोषण उनकी नानी ने अकेले दम पे किया है। 4 साल की उम्र से अपनी नानी के साथ अकेले रही नोभा जब रुड़की के लिए रवाना हुई तो उनके मन में एक घबराहट हुई। सामाजिक रूप से मिलनसार नोभा ने अपने आप को समय दिया ताकि वो इस नई दुनिया को अपना सके। इस वक्त में उनकी नानी ने उन्हें भरपूर शक्ति दी एवं नए लोगों की दोस्ती ने उन्हें मानसिक और भावुक ताकत दी। साथ ही सरकार की तरफ से दी गई स्कॉलरशिप ने नोभा और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज वो अपनी पढ़ाई की फीस, किताबों का खर्चा और रहने खाने की तरफ से चिंता मुक्त हैं। इसके अलावा उनको अपनी नानी से किसी भी तरह की भारी रकम लेने की जरूरत नहीं है। जो मेरे को मिल रहा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से, मेरे को उसका टेंशन नहीं लेना पड़ रहा है कि हमें क्योंकि मेरे को फीस कैसे देना, मेरे को बस अपना खाना और पढ़ाई का देखना है बुक्स का। आज ना सिर्फ नोभा मन लगाकर एक उच्च संस्थान में पढ़ाई कर पा रही हैं, बल्कि उनकी नानी अब उनके इलाज के लिए अलग से पैसा जोड़ पा रही हैं। भाई लोग भी बोलता था कि संतोष कर लो, ये तो सुबह और शाम का है, ये लड़की नहीं बचेगी, तुम काहे ले मर रही है। हम बोले जब तक इसमें जान है तब तक हम सेवा करेंगे। जाए जो रुड़की जब गई है तो उसको जो ट्रेन में आना जाना जो करती है ना, उसको आत्मस्वावलंबी बढ़ गया है कि हम कहीं जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी करके नोभा अपनी नानी के लिए हर सुख सुविधा देना चाहती हैं। यहाँ कोई बारिश नहीं है, कोई पानी नहीं है, यहाँ का मौसम इतना अच्छा है ना, आज तो सबसे अच्छा मौसम है। तो तुमको जूस पीने बोले थे तो पी थी कि नहीं? आगे चल के वो उम्मीदों से भरे बच्चों को अपनी ही दी हुई स्कॉलरशिप से सशक्त करने की इच्छा रखती हैं। 10 साल के बाद कहाँ आऊंगी,
खुद भी अच्छी लाइफ जी रहूंगी और दूसरों को अच्छी लाइफ दे भी रही हूँगी। मैं दूंगी बच्चों को, अगर जो भी नीडी बच्चे हैं, मैं अपने पैसा दूंगी, अपना अपना पर्सेंट निकाल के दूंगी, उनके लिए सेव करूंगी।